from Italy. Ciao from Italy. Hello, everyone. Come on, that video was so funny before. It wasn't that funny, bro. I'm just trying to find out what time watch, is it. Bro. अभी इस वक्त में शाम के 8 बजने वाले और हम लोग जा रहे हैं दोबारा वो जो फाउंटेन हम लोग गए थे दो दिन पहले हैवी फाउंटेन. तो एमली कह रही थी कि मुझे शाम को देखना है वो विद लाइट्स. तो अभी हम लोग निकले हैं तो काफ़ी रोशनी है इस वक्त तो, लेकिन हो सकता है कि हमारे पहुंचते पहुंचते वहां तक काफ़ी अंधेरा हो सकता है, जिसका वो कहना चाह रही थी कि हमें रात में देखना है. तो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा होटल है जहाँ हम रुके हैं. अभी हम यहाँ से पैदल चलेंगे और ट्रेन स्टेशन तक जाएंगे. ये देख सकते हैं पीछे से आप. No gonna say another thing, yeah? Yeah. तो वैसे काफी अच्छा मौसम है, शाम को अच्छा हो गया. दोपहर को तो बहुत गर्मी थी ना, दोपहर को तो इतनी गर्मी थी कि हम लोग वापस आ गए. लेकिन लकीली ये हुआ कि हम लोग वेटिकन जब हम सुबह गए तो हम लोग सुबह सुबह गए ना हम लोग तो जब हम सुबह सुबह गए तो इतनी गर्मी तो बिल्कुल थी नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे मौसम अच्छा था. लेकिन 12 बजे जब हम वहाँ से निकले तो बहुत गर्मी थी. तो फिर हम वापस आ गए जब हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो शाम को फिर निकलेंगे जब थोड़ा मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा. तो देखें अभी रात को क्या नज़ारा है वहाँ फाउंटेन का, आप भी देखिएगा हमारे साथ. मैंने तो सब तस्वीरों में देखा है, तस्वीरों में काफ़ी अच्छा लगता है ना, लाइटिंग वगैरह काफ़ी उन्होंने की होती है. तो देखो कैसा लगता है. ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग. I don't know, ये होटल है हमारा. लेकिन सुबह सुबह यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर टैक्सी की. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें यह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करती थी सुबह सुबह एक ट्रक होता है यहाँ पे है ना, जो कि ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा होगा, सैंडविचेज वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके पास. तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं कभी उसे सुबह सुबह मैं जब निकलूँ वो जैसे मैं सुबह निकला हूँ तो वो था ही नहीं यहाँ पे. सुबह की बनानी थी ना जब वो सुबह हाँ यहाँ पे खड़ा हुआ. नहीं जब मैं वापस आऊँ तब वो था यहाँ पे, लेकिन जब मैं निकलूँ सुबह तो तब वो नहीं था. अभी वैसे कार पार्क भी खाली हो गया काफ़ी क्वाइट हो गया. तभी स्टेशन स्टेशन पहुँच के ट्रेन में बैठ के तो आगे कितना देर का रास्ता? हाफ एन आवर मे बी. हाफ एन आवर का रास्ता है. सो ये ट्रेन स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं और ये रास्ता है जहाँ से बिल्कुल नैरो सा है ये. माय नीज आर इची. सो पाथ टू गो टू ट्रेन स्टेशन. होटल से जो ट्रेन स्टेशन का जो रास्ता है वो 8 मिनट का है. नॉट बैड है ना, 8 मिनट सही है. 8 मिनट से आप चल कर आप ट्रेन से तो पहुँचो आप. उसके बाद ट्रेन में मेरे को लगता है 40 मिनट लगेंगे शायद है ना. तो ये हम लोग ट्रेन स्टेशन में पहुँच गए. हम लोग इसके अंडरग्राउंड में जाएंगे हम लोग अभी. मैंने तक ट्रेन के आने में भी 12 मिनट है अभी उसमें. Are you still strong, mom? Yeah. Yes. Okay. Yeah, here in the train station now.
थिंक अभी नेक्स्ट ट्रेन हम लोग अपनी मिस कर देंगे मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी क्या होता है। सो ट्रेन की जगह हमें लगता है बस पकड़नी पड़ेगी। थोड़ा सा लंबा रास्ता है लेकिन ट्राई करते हैं क्योंकि ट्रेन तो हमने मिस कर दी है। लेट्स सी। सो जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोगों ने ट्रेन तो मिस कर दी है लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग ट्रेन की जगह हम लोग बस पकड़ लेंगे। तो बस का स्केड्यूल मुझे लगता है कि 2-3 मिनट में हो सकता आ जाए। तब तक हम लोग आपको दिखाते हैं कि यहाँ का बस स्टॉप कैसा दिखता है। इटालियन बस स्टॉप सामने, वहाँ से हम आए ट्रेन स्टेशन, वो ट्रेन स्टेशन सामने वो ये यहाँ का बस स्टॉप है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कौन सी बस कौन से टाइम पे कहाँ आएगी कहाँ जाएगी, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। वो देखें बस स्टैंड है बस का अड्डा बोल सकते हैं इसको हम लोग, बोल सकते हैं लारी अड्डा तो नहीं है, नहीं बस का स्टैंड है ये। तो देखें बस कब आती है। चलिए हमारी बस आ गई तो हम आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं फाउंटेन की तरफ लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अभी हम लोग बस स्टॉप से उतरे हैं। ये देखें यहाँ पे जगह जगह खूबसूरत चर्चेस बने हुए हैं। यहाँ पे हर गली में, ऑलमोस्ट हर दूसरी गली में कोई ना कोई चर्च है। तो चलें आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, मुझे पानी की आवाज़ आने लगी पहले से। मुझे लगा था रोम ही पे रोमन सर आप हमला कर चुकी थी, रोम उठ के यहाँ पे आ गया सर। पानी की मुझे अभी से आवाज़ आ रही है मेरे को, है ना। There you go guys. मैं कैमरा उस तरफ मोड़ता हूँ। मैं जी जी आ गया आपका। इतना बिजी है ये लोग, आप देखें चारों तरफ लोग ही लोग। मैंने को पता नहीं कि दोनों कहाँ चले गए लोग, तो मसला नहीं है ढूंढ लेंगे। ये रहे इन स्टोन पे पुलिस बैठने नहीं देती। कितना रश आप देख सकते हैं। तो जनाब ये देखें आपको, तो ये नजर आएगा आपको फाउंटेन कितना पानी है। आप भी खूबसूरत हैं, समझता नहीं है मैं इसकी बात करूँ। हाँ तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको सामने से दिखा दूँ मैं आपको।